मैनेजमेंट, चलिए मैदान के अंदर दोनों टीम आर्य एनर्जी ने शायद 3 मैच जीती है, ये अंतिम मैच खेले, छठा मैच खेल रही है। और दूसरी ओर श्री गणेश 11 की बात करो, जिन्होंने 4 गेमें खेली है, 2 जीती है, 2 हारी है, दोनों टीम के लिए डू ऑर डाई मैच। ये बहुत बड़ी मुकाबला है, फिर से एक बार कह दे वो कि कहते हैं ना कि नई दिन नई शुरुआत करो, नई दिन नई शुरुआत करो, कल हारे तो क्या हुआ, आज जीतने की आस रखो, बी पॉजिटिव। इस पॉजिटिव माइंड के साथ दोनों टीम मैदान में उतरी है। पहली ओवर गेंदबाजी का भार संभालेंगे श्री गणेश के ओर से मिस्टर रितेश, और स्ट्राइक लेंगे भाविन कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ऐसा टीम के सबसे बड़े बैटर्स भाविन पटेल। पहली ओवर ओवर द विकेट गेंदबाजी रितेश के सामने। भाविन एक दूसरे के साथ बहुत सारे मैच खेल चुके हैं। इस बार कट कर दिया बैकफुट पॉइंट के रीजन में, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं लेकिन मना किया। स्क्वायर कट करने का प्रयास था बाविन का, बैकफुट पॉइंट के ऊपर से खेलने का प्रयास था बाविन का, लेकिन बल्ले के जो निचला पार्ट रहता है उस पर लगी गेंद चली गई सीधे पॉइंट के रीजन में। 1 रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ यहाँ पे श्री गणेश हुआ आर्य एनर्जी की टीम का। 1 रन के साथ शुरुआत पहली गेंद के ऊपर। इस बार फील्ड प्लेस में चेंजेस किया मनीष के लिए, एक बैकफुट पॉइंट कवर के फील्डर को 30 गज के दायरे के अंदर लेके आए और एक डीप स्क्वायर लेग के रीजन में फील्डर तैनात किया। ऐसे 2 तरह के फील्डर बाहर रखे मनीष के लिए। अगली गेंद इस बार अच्छी तरह से पुल करने का प्रयास था, डीप स्क्वायर लेग रीजन के अंदर डीप में एक फील्डर तैनात रखा था, वहां से 1 रन को चुराया। 3 प्लेयर्स बैकअप के लिए खड़े थे, जानते हैं कि थ्रो टप्पा खाने के बाद गेंद समुद्र की लहरें की तरह उछालती है, इसके कारण 3 प्लेयर बिल्कुल बैकअप के लिए रखे थे। स्कोरबोर्ड के ऊपर 2 रन, हवा बिल्कुल तेज चल रही है, एक सुकून सा भरा हवा चल रही है, सूर्य भगवान बिल्कुल सिर के ऊपर चल रहे। मध्यान्ह भोजन के लिए हमारे वडिल से पूरी तरह से जहमत उठा रहे, भंडारी भोजन आपको देखने को मिलेगा, समाज का स्नेह मिलन आज देखने को मिलेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि धुलेती के महापर्व के दिन समाज की जो सकारात्मक सोच थी, आज समाज के युवाओं को एकत्रित करने का वो कार्य समाज के मैनेजमेंट ने किया। आज फिर से कट करने का प्रयास था लेकिन रितेश की तारीफ करेंगे, तीनों की तीनों डिलीवरी अगर देखी जाए तो सुपर्ब डाली थी, बल्लेबाज के रडार से दूर डाली थी, कोई रूम नहीं, कोई शॉट नहीं, पूरी तरह से अपने कंट्रोल में गेंदबाजी रितेश के द्वारा। अब तक पूरी तरह बांधा है भाविन को, 3 गेंद डाल चुके, सुपर्ब गेंदबाजी, ओवर द विकेट गेंदबाज, लेकिन इस बार थोड़े से भाविन के रडार में डाले तिल लॉन्ग लेग रीजन को पूरी तरह से कंट्रोल में किया, मिलेगा 45 समाज मैक्सिमम। भाविन भाविन के लिए यहाँ पे बड़ी जाहिरात है, चक्का लगा, अगर भाविन छक्का लगा 501 रुपया। इस बार कट किया पॉइंट के रीजन में, 2 फील्डर पीछे तैनात रखे, थोड़ी सी मिसफील्ड यहाँ पे जरूर देखने को मिल, लेकिन भाविन ने यहाँ पे अखतर किया, 2 रन मिलेंगे और इसी 2 रन के साथ स्कोरबोर्ड के ऊपर 10 रन। भाविन अगर छक्का लगाएगा तो यहाँ पर मिली एक हितेन अक्षर की ओर से 1 छक्के का 500 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा, और केयू सर की ओर से भी भाविन के 1 सिक्सर का 500 रुपया का पुरस्कार दिया जाएगा। धन्यवाद सर।
यहाँ पे थोड़ी सी छूट जरूर महसूस की है भाविन ने, और लेकिन यहाँ पे स्पॉन्सर की एक बड़ी बात है, एनर्जी ड्रिंक भी साथ में भेजा है, शायद जल्द से खड़े हो जाए और अच्छे पारी के लिए, यही सोच तुषार सर की और भरत सर की रहेगी। चलिए स्कोर बोर्ड की बात की जाए तो स्कोर बोर्ड के ऊपर रन लगे 10। YouTube के ऊपर मैच की शुरुआत हो चुकी है, आप अपने स्नेही जनों परिवार जनों जो बाहर गए NRI भाइयों है जो हमारे, उसको आप लिंक भेज सकते, समाज का ये स्नेह मिलन आप बिल्कुल उनको दिखा सकते, और हमारे YouTube के माध्यम के ऊपर से आप अगर दान भी देना चाहते तो ऑनलाइन डोनेट भी कर सकते हैं। चलिए हमारे सभी यूट्यूब भाइयों को समाज की ओर से सभी को दीपावली के होली की हार्दिक शुभकामनाएं, आप जहां पे स्वच्छ रहे तंदुरुस्त रहे और समाज की एकता के लिए आप जो YouTube के ऊपर लाइव मैच देख रहे उसके लिए आपका तह दिल से हार्दिक शुक्रिया आपका अर्जित करते हैं। मैच थोड़ा सा रुका हुआ है क्योंकि प्रमुख बैटर भाविन को यहां पे थोड़ी सी चोट महसूस की है पैर में, चौका और छक्का लगाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे जरूर हुई है भाविन को, लेकिन आर्य एनर्जी पूरी तरह से संघर्ष करती हुई टीम। पहली ओवर रनिंग है, स्कोरबोर्ड की बात की जाए तो स्कोरबोर्ड के ऊपर लगे हैं 10। भाविन ने अपने व्यक्तिगत स्कोर 4 गेंद में 9 रन बना के नाबाद खेल रहे, मनीष ने एक गेंद फेस किया और 1 रन बना, इस तरह का स्कोर कार्ड। पहले टॉस जीत के फील्डिंग लेने का फैसला श्री गणेश के कप्तान ने लिया था। चलिए पहली ओवर की समाप्ति के ऊपर स्कोरबोर्ड की बात की जाए तो रन्स लगे 10। इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए जो हमारे जो दाता है स्पॉन्सर है उसकी यादें में हाफ अप करके आपके समक्ष लेके आता हूँ। जयेश भाई प्रभु भाई भंडारी नारगोल गांधी रोड, जयेश भाई प्रभु भाई भंडारी नारगोल गांधी रोड 1000 रुपये, अरविंद भाई विठल भाई पटेल सरुंडा 251 रुपया, भरत भाई दया भाई पटेल मैन फ्रॉम दमन, भरत भाई दया भाई पटेल दमन निवासी है फिल हबी जिनकी ओर से 10000 रुपये, भाविन धीरज भाई राउत, भाविन धीरज भाई राउत नवातड़ाओ 3 10000 रुपये, यतीन भी भंडारी, यतीन भी भंडारी माजी सरपंच नरगोल 10000 रुपये, राजेश भाई माणिक भाई भंडारी नवातड़ाओ 1000 रुपया, वामन भाई जी भंडारी नवातड़ा, मितेश 10 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, मितेश को बुलाया इस बार थोड़ी सी बाहर स्लॉट में डाली थी, मनीष ऑन फायर, मिलेगा भंडारी समझ चौका। स्कोरबोर्ड के ऊपर रन लगे 14। मनीष ऑन फायर, मनीष के रडार में डाली थी गेंद, इस तरह बल्लेबाजी उसको पसंद है, पसंद क्या रहता है और वहां पे एक अच्छी पारी खेलते हैं मनीष, मनीष ऑन फायर। दूसरी ओवर चल रही है, सर्कल की अवधि चल रही है, दो प्लेयर वहां पार रख सकते हैं, उसका पूरा एडवांटेज। इस बार थोड़े से रूप बनाया, गेंद हवा में जरूर ट्रैवल करती है शॉर्ट पॉइंट के रीजन में, वहां पे रितेश मौजूद थे आसानी के साथ एक रन को यहां पे पूरा किया मनीष ने, और इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर बनता हुआ 15। रितेश को बुलाया था दूसरे फ्रंट में, रितेश की अगर बात करें तो उसकी ताकत, उसकी शक्ति, उसका वेरिएशन और उसका मिश्रण, क्या आज वो दिखा पाएंगे, क्योंकि सामने वाले बैटर भाविन 10 रन बनाया था, एक सुपर बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर लाजवाब परफॉर्मेंस आज के दिन भाविन आ रहा है, सुपर कीपिंग भी देखने को मिली, लेकिन मितेश की अगली गेंद इस बार हवा में हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास, नीचे फील्डर है इन, ये शुड बी गॉन, मिलेगा पंचदार इस समाज परफेक्ट कैच। Please.
सुरेश स्कोरबोर्ड के ऊपर 15 रन। भाविन के यहाँ पे एक छोटी सी पारी यहाँ पे समाप्त हुई। भाविन के बल्ले से रन निकले हैं। एक कप्तानी पारी यहाँ पे मैच को जो फाउंडेशन चाहिए था, जो शुरुआत चाहिए थी भाविन ने वो दिलाई अपने टीम के लिए। विकेट यहाँ पसंद जरूर हुआ, थोड़ी सी इंजरी भी हुई है, लेकिन टीम के लिए एक अच्छी शुरुआत लेके वापसी की इस बार। लेकिन अभिजीत के द्वारा सुपर गेंदबाजी, विकेट टू विकेट गेंदबाजी इस बार बीच मैदान के अंदर बिना गेंद। हालात को अच्छी तरह समझते, कहते हैं कि हालात वो न रखो जो हौसलों को बदल दे, लेकिन हौसले वो रखो जो हालात को बदल सकते। क्या इस बार पिनाकिन आर्यन जी की पूरे कंट्रोल में बल्लेबाजी कर पाएंगे? चलिए अगली गेंद इस बार मितेश की, और तो विकेट गेंदबाजी इस बार कट किया फास्ट शॉट पॉइंट में। वहां पे रितेश बहुत ही तेज, एक चुस्त फील्डिंग देखने को मिली रितेश के द्वारा। एक रन के साथ पिनाकिन का रोल रहता है कि स्ट्राइक को रोटेट करे, ज्यादा डॉट बॉल नहीं खेले, वही खेलते पिनाकिन भंडारी। एक बेहतरीन बल्लेबाज से बैटर है, तीसरे नंबर पे हर बार जाते हैं और टीम को अच्छी शुरुआत देते हैं, और वही किया इस बार पिनाकिन ने, प्रमुख बैटर को लेके आया स्ट्राइक पे। इस बार अगली गेंद स्कोरबोर्ड के ऊपर रन लगे 16, एक विकेट का पतन। चेंज ऑफ पेस, नीचे फील्डर है, ये कैच बन सकता था। डू और डाई मैच में अगर आप प्रमुख बैटर को जीवन दान देंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती है, और वो जीवन दान मनीष को मिला साथ में 2 रन, और इसी 2 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन। थोड़े से चेंज ऑफ पेस किया था बल्लेबाज की, जो ताकत थी उसको विभाजित करने वाली गेंद डाल ली थी। चेंज ऑफ पेस सुपर के वेरिएशन मिश्रण बहुत अच्छा मितेश के द्वारा। इस बार बैकफुट भी गए, ये बेहतरीन पंच देखने को मिला। अंपायर का सिग्नल रहेगा, मिलेगा वन बाउंस चौका, भंडारी समाज चौका। स्कोरबोर्ड के ऊपर 22 रन 22। राजेश भाई माणिक भाई भंडारी नवा तलाव 3 तरफ थी 1000 रुपया, वामन जी भंडारी नरगुल नवा तलाव 2 तरफ थी 500 रुपया, ईश्वर भाई एन भंडारी नवा तलाव 3 तरफ थी 201 रुपया, कांतिलाल एच भंडारी नरगुल नवा तलाव 1 तरफ थी 500 रुपया, दिनेश भाई एच भंडारी नवा तलाव 2 तरफ थी 500 रुपया, तक्षिला माधवजी भगत नारगोल, तक्षिला माधवजी भगत नारगोल तरफथी 2000 रुपया, शमीर भंडारी खत्तरवाला तरफथी 2500 रुपया, दशरथ राजा परिवार तरफथी दरा 1000 रुपया, श्रीमती स्वीटी बेन यतीन भाई भंडारी सरपंच तरफथी 5000 रुपया, प्रभु भाई जी पटेल नारगोल नवा तलाव तरफथी 500 रुपया। धन्यवाद। चलते हैं मैदान के अंदर। रितेश आए फिर से एक बार, सर्कल की अवधि समाप्त हो चुकी है, लेकिन दो इतने भी छुटछाट नहीं दी जाएंगे, आपको 4 प्लेयर कंपलसरी अंदर रखने हैं, और इस तरह की कैचिंग पोजीशन के अंदर 2 फील्डर रखे, एक शॉट स्क्वेले के फील्डर को इस बार सिली मीडॉन के रीजन में लेके गए। शॉट पॉइंट देख सकते, एक शॉट थर्डमैन देख सकते, और कीपर के बिल्कुल सामने एक लॉन्ग स्टॉप के रूप में एक फील्डर को तैनात किया गया है। इस तरह की फील्ड प्लेसमेंट पिनाकिन के लिए यहाँ पे शायद लॉन्ग ऑफ के फील्डर को 30 गज के दायरे के अंदर, शायद पिनाकिन ज्यादातर स्ट्रेट ड्राइव अच्छी खेलते, इसके लिए इस तरह की सोच रखी कप्तान भंडारी ने। इस बार हल्के हाथों से कलाइयों को मोड़ा, इस बार एक्स्ट्रा कवर के रीजन में दूसरे का प्रयास था, लेकिन एक सही कॉल पिनाकिन के द्वारा केवल 1 रन से यहाँ पे संतुष्टि की है, और इसी 1 रन के साथ आर्य एनर्जी की टीम का स्कोर 23 रन। दोनों टीम के आर्य एनर्जी के जो स्पॉन्सर है मिस्टर भरत पटेल और मिस्टर तुषार पटेल, जिन्होंने इस टीम को स्पॉन्सर किया, और श्री गणेश का हम जानना चाहेंगे ओनर का नाम, प्रदीप राउत और शायद अशोक भंडारी, ये 2 ओनर रहे श्री गणेश के। धन्यवाद। ये कुछ अलग तरीका करने का प्रयास, अल्टी पल्टी, लेकिन इस बार श्री गणेश के गेंदबाज ने मैच को पलटी, मिलेगा भंडारी समाज पर कैच।
आरसी की बात करो तो बल्लेबाजी में बहुत सारे चेंजेस किए। मीज को आज पीछे रखना है क्योंकि मीज ने पिछले मैच में बड़ी फायरिंग की थी। इस बार शायद तुषार का सामना करने के लिए शायद बल्लेबाजी के लिए बचा के रखा है और बिल्कुल सही निर्णय रहेगा। स्कोरबोर्ड के ऊपर चले जाए, 23 रन 2 विकेट का पतन हुआ है। रितेश की नफीतुली गेंदबाजी, एक घातक गेंदबाजी, एक डेंजरस गेंदबाजी, बीच मैदान के अंदर सुपर गेंदबाजी। टीम की जो हालत थी उसको अपने आप नाम करने में रितेश ने कहीं ना कहीं अच्छी भूमिका अदा की है। इस बार बल्लेबाजी करने के लिए 4th नंबर पर बैटर के रूप में रोहन, इस नौजवान के ऊपर मिडल ऑर्डर का सबसे बेहतरीन बैटर के रूप में आर्य एनर्जी में स्थान मिलना है। ऑनर ने इसको खरीदा है, थोड़े से महंगे भाव से खरीदा है, लेकिन आज वो कारनामा करना होगा जिस ऑनर ने जिस उम्मीद के ऊपर उस ऑक्शन में खरीदा है, क्योंकि ये डू और डाई मैच है। एक और श्री गणेश के लिए डू और डाई मैच, तो दूसरी और आर्य एनर्जी के लिए भी बिल्कुल। एक सिंगल कैचिंग पोजिशन में फील्डर रखा है रितेश ने। इस बार सम्मान के लिए खेलने के लिए मजबूर किया, लेकिन गेंद अच्छी तरह से ड्राइव देखने को मिला। 1 रन के साथ यहां पे रोहन ने स्ट्राइक को रोटेट किया और इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 24। तीसरी ओवर चल रही है टूर्नामेंट की, 3 गेंदें आने वाली शेष। एक बेहतरीन स्पेल अब तक रितेश के द्वारा, पहले ओवर में भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, इस ओवर में भी अपने पूरे लय में दिखाई देते। आज इस बार पिनाकिन आए, आंखें जम चुके पिनाकिन के, प्रयास किया था, ये जरूर लगा था, सीरा लगा था, फर्स्ट लिप से गेंद चली गई शॉर्ट टर्नमेंट के रीजन के बिल्कुल सामने। वहां पे एक सेंसर रखा था, 1 रन आसानी के साथ चुराया और इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन 2 विकेट के नुकसान। तीसरा ओवर चल रहा है, रितेश के रूप में बेहतरीन मिश्रण के साथ गेंदबाजी होती है पूरी तरह से। इस बार स्ट्राइक लेंगे मिस्टर रोहन, एक बहुत बड़ा बैटल दोनों के बीच में, कई बार आमने सामने हुए, कई बार एक टीम से साथ भी खेल चुके। ये अच्छी ड्राइव, फिर से एक बार ऑफ ड्राइव देखने को मिली, वहां पे फील्डर है, पहले अटेम्प्ट में फील्ड नहीं हुई है, थ्रो खराब, ओवर थ्रो के रूप में एक और रन मिलेगा, 2 रन। जानते हैं टेनिस इसी को कहते हैं, सिंगल को 2 और 2 को 3 में तब्दील कर, जब तक बड़े स्ट्रोक नहीं आए अगर स्कोरबोर्ड को चलाना है तो इस तरह की स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, और वो ही किया, स्कोरबोर्ड को बढ़ाने का प्रयास। रितेश थोड़ी सी लंबा रनअप जरूर ले रहे, लेकिन गति थोड़ी सी कम कर रहे क्योंकि वेरिएशन डाल रहे हैं और पिच बहुत अच्छी डालते हैं मिस्टर रितेश। ओहो ये देखिए अच्छी गेंद थी, बेहतरीन ड्राइव, लेदर क्रिकेट में इस तरह के स्ट्रोक का ड्राइव, मिस फील, गलतियां पे गलतियां हो रही है, उससे पहले भी कैच को ड्रॉप हुआ था। इस बार कहीं ना कहीं इसको सुधारना होगा क्योंकि डू और डाई मैच में आप इस तरह की गलतियां करेंगे तो निश्चित तौर से दिक्कत होगी। स्कोरबोर्ड के ऊपर रन लगे 29, 2 विकेट के नुकसान पे ओवर खत्म हुए 3। चलिए फिर से एक बार हमारे दाता के पास चले जाते हैं, श्रीमती स्वीटी बेन भंडारी जो हमारे गांव की अपना गांव ने सरपंच है, इमना तरफ थी 5000 रुपया, प्रभु भाई जी पटेल नवा तलाव बे तरफ थी 500 रुपया, दिनेश एल केणी सरोंडा तरफ थी 1100 रुपया, भगवान डी कडू, भगवान भाई डी कडू नवा तलाव बे तरफ थी 500 रुपया, संदेश पाटिल दहनु आगर उन्नति की ओर से 2500 रुपया, प्रकाश आत्माराम भंडारी नवा तलाव 1000 रुपया, अमूल सुरेश पटेल मालवण 500 रुपया, कन्हैया एल भंडारी नारगोल पूर्व 500 रुपया, दिनेश एम पटेल मालवण 200 रुपया, आशीष ठाकुर भंडारी नवा तलाव 300 रुपया, हरीश भाई एच केणी नवा तलाव 151 रुपया, अरुण भाई कालिदास केणी नवा तलाव 100 रुपया, गणपत बी पटेल नवा तलाव 300 रुपया। चलते हैं मैदान के अंदर, 3 ओवर की समाप्ति, 29 प्रति ओवर 9.5 का औसत बन रहा है, अच्छी सोच यहाँ पे बनाई है आर्य एनर्जी के बैटर्स के द्वारा। जानते हैं 60 के ऊपर लेके जाए तो गेंदबाजी है और वही रणनीति अपनाई है पिनाकिन और रोहन के द्वारा। 29 चौथे ओवर में गेंदबाजी में पहला परिवर्तन देखने को मिला, मितेश कंटिन्यू करेंगे। इस बार पिनाकिन ने बाजू एक खोली थी, टाइमिंग इतनी सही नहीं, ओ माय गॉड, उड़ता हुआ कैच देखने को मिला, कहते ना जीत के लिए खाओ मानने नहीं देते, वही कैच है भंडारी समझ, परफेक्ट कैच।
बार आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर से बल्लेबाज आ रहा है, ये वो बल्लेबाज है जिन्होंने इस टूर्नामेंट में सबसे बड़ी बेहतरीन पारियां के लिए अभी भी टीम का स्कोर होता है 29 और बिना गिनती यहाँ पे छोटी सी पारियां पे कंप्लीट। गेंदबाजी करने नहीं आए क्योंकि तुषार के पास भी हेलो स्कोर बोर्ड के ऊपर दिख रहा है। इस बार गीत पर ये वो नौजवान है जो जानते आर्य एनर्जी को अगर दो टाइम इसमें से बाहर निकालने की किसी के पास सकता है तो ये नौजवान के पास है। लेकिन तारीफ करूंगा मिकेश की जिस लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल दबाव महसूस करवा रहे बैटर्स को। पहली गेंद आके इस बार हल्के हाथों से कलाइयों को मोड़ा ऑन साइड की दिशा में डीप स्क्वायर लेग के रीजन के अंदर एक रन के साथ साइको रोटेट किया और इसी एक रन के साथ आर्य एनर्जी का स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन 3-0 विकेट का पतन हुआ है। टीम विकेट कंटिन्यू करते अपने कोटे की दूसरा स्पेल दूसरे ओवर डाल रहे बेहतरीन गेंदबाज है और टीम की जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में किया है मिकेश के द्वारा। लेकिन इस बार स्ट्राइक पे चले गए मिस्टर रोहन। अगली गेंद ओह अच्छी गेंद थी, खोद के निकला ब्लॉक हॉल में जरूर डाली थी लेकिन एक अच्छी फील्डिंग चुस्त फील्डिंग फिर से एक बार देखने को मिली श्री गणेश 11 के फील्डर्स के द्वारा। डू और डाई मैच 31 रन और पांचवा मैच खेल रही है दोनों आर्य एनर्जी छठा मैच खेल रही है उसके ये मैच है समाप्त होने वाली है। इस बार अच्छी पेडल स्लिप देखने को मिली लॉन्ग स्लिप में वहां पे एक फील्डर रखा था लेकिन थोड़ी सी मिसफील जरूर देखने को मिली। प्रयास बिल्कुल किया था लेकिन एक रन मिलेगा मीत को और इसी एक रन के से पर नारगोल नवा तड़प बे तरफ थी 200 रुपया अने अंतिम दाता छे जेएसपी भंडारी नारगोल नवा तड़प बे 200 रुपया। धन्यवाद तमाम दाताओं नो। तुषार आए कप्तान पहली गेंद के ऊपर फिर से एक बार देखने को मिला हेलो तुषार में मिस्टर हेम भंडारी ये वो नौजवान है जो हर बार बल्लेबाजी में अपने रंग रूप को परिवर्तित करता है जब जब मौका मिला है तो ये नौजवान ने अच्छी पारियां खेली है। लेकिन आज डू और डाई मैच में किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे कि उसके सामने वाले गेंदबाज का नाम रहेगा खुद कप्तान तुषार भंडारी जिसके पास गति है 145 किलोमीटर प्रति रफ्तार से भी डालने की क्षमता है उसकी ताकत है उसके बाउंस उसकी गति उसकी स्पीड है। ये देखिए पहले गेंद इस बार ड्राइव किया प्लेसमेंट बिल्कुल सही था लेकिन टाइमिंग जो चाहिए थी वो नहीं मिली एक बड़े प्लेयर की निशानी रही थी आते ही स्ट्राइक को रोटेट कर वही किया इस बार मिस्टर हेम के द्वारा एक रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया स्कोरबोर्ड के ऊपर रन गए 37 रन 4 विकेट का पतन हुआ है। तुषार ने डाले है 5 गेंद अभी भी केवल 1 गेंद आने वाली शेष और स्ट्राइक पे रहेंगे मिस्टर रोहन। रनों की गति बढ़ाने का प्रयास बिल्कुल हो रहा है बैटर्स के द्वारा ये शॉट ऑफ लैंड डाले थे नीचे फील्डर है ये दूसरा कैच इस मैच में ड्रॉप हुआ है थोड़े से नाखुश कप्तान जानते हैं डू और डाई मैच में इस तरह की फील्डिंग कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है और इसी एक रन के साथ 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर बोर्ड के ऊपर 38 4 विकेट के नुकसान पर डीजे हमारे जो यूट्यूब के यूजर के ऊपर बता दो यहाँ पे 7 टीम आईपीएल के सिस्टम के द्वारा आईपीएल की जिस तरह शेड्यूल रहते हैं वही शेड्यूल बीएसपीएल भंडारी लीग में ऑर्गेनाइज किया है। आर्य एनर्जी का ठेचा मैच चल रहा है ये अंतिम मैच
इस बार अक्षम के बाद हाथ खोलने का मौका रोहन को मिला था, ये छोड़ेंगे नहीं, मिलेगा भंडारी समझ परफेक्ट चौका। पवित्र सर जमी के ऊपर आज के दिन का ये दूसरा मैच चल रहा है, आर्य एनर्जी वर्सेस श्री गणेश इलेवन, एक और तुषार सर, दूसरी और प्रदीप राउत, एक और मिस्टर भरत भाई पटेल जो इस हमारे समाज के छोटे अंबानी के रूप में जाने जाते हैं, दूसरी और मिस्टर अशोक भंडारी जिसने दोनों टीम को स्पॉन्सर किया। फिर से एक बार चलते दीप के अगेंस्ट, फुल टॉस बना के खेलने का प्रयास, इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट का प्रयास किया था रोहन ने, लेकिन चेंज ऑफ पेस देखा था, लो फुल टॉस डॉट बॉल, स्कोर बोर्ड के ऊपर 42, चार विकेट का पतन हुआ है। एक बल्लेबाज को यहां पे हाथ खोलने का मौका, क्योंकि अंतिम और डेथ ओवर 50 के ऊपर जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फाइटिंग स्कोर माना जाएगा इस मैदान के अंदर। जी हाँ, स्लॉट में डाली थी, ये कहां रुकेगी, जिसके बुझाओ में दम उसे मिला मैक्सिमम भंडारी समाज परफेक्ट। फोर ओवर के ऊपर 48, तीन गेंद में 10 रन किए दीप ने, हवाई फायर रोहन ऑन फायर, इस बार दबाव बिल्कुल महसूस करेंगे गेंदबाज, बल्लेबाज के रडार से दूर, लेकिन अक्षम के थोड़ी सी बाहर, एक हेलो हेलो 49, हेलो 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 स्कोर बोर्ड, हो हेलो हेलो, स्कोर बोर्ड के ऊपर रन्स लगे हैं 55-55, इस ओवर में 2 छक्के और 1 चौके, दबाव में इस बार गेंदबाज, 2 गेंद अभी भी शेष, रोहन ने इस बार अपनी भुजाओं में जो दम था वो दम दिखाया, टीम की जो जरूरियात चाहिए थी, रनों की गति जिस तरह से तुषार भंडारी ने रोकी थी, उसके बाद रोहन का बल्ला अंतिम और देते हुए पूरी तरह हल्ला मचाता हुआ, फिर से एक बार तैयार, राउंड द विकेट आए हैं, गेंद खराब कवर के ऊपर से, वन बाउंस चौका मिलेगा भंडारी समाज परफेक्ट होगा। इस ओवर में 2 छक्के 2 चौके 20 रन खर्च किए, थोड़ी सी महंगी ओवर, अभी भी 1 गेंद आने वाली शेष, 21 रन दिए व्हाइट के साथ 59 रन, अगर ये गेंद डॉट बॉल निकालेंगे तो एडवांटेज रहेगा श्री गणेश का, अगर यहां से बड़े शॉट निकले तो कहीं ना कहीं आर्य एनर्जी के लिए लीड रहेगी। ओ माय गॉड, क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, सीधा मिडल स्टंप बाहर, स्कोर बोर्ड के ऊपर रन के लगे 59, जीतने के लिए रक्स बनाने 60, 62 विन, टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए, ओकेजन को सफल बनाने के लिए किशोर जी भंडारी नारगुल नवातलाव टीम की ओर से 100 रुपया, रशिक बी पटेल मालवन की ओर से 100 रुपया, अंकुर घनश्याम भंडारी नवातलाव त्रण तरफ थी 200 रुपया, ओजस एम पटेल मालवन तरफ थी 250 रुपया, विनोद भाई एच भंडारी नारगोल पूर्व, विनोद भाई एम भंडारी नारगोल पूर्व तरफ थी 501 रुपया, भूपेश भाई माणिक भाई राउत नारगोल नवातलाव एक तरफ थी 151 रुपया। फरी एक बार तमाम दाताओं ने हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करे छु, अपनी संपूर्ण इच्छा पूर्ण कर आपनो स्वास्थ्य सारू रखे, विमान चरणों में एक नम्र भरी अपील एक प्रार्थना, फरी एक बार जे कोई आवेला मेहमान छे, जे दर्शक मित्रों छे, जे अपना समाज ना बंधुओ छे, समाज ना टूर्नामेंट ने सफल बनावा माटे फूल ने तो फूल ने पाखड़ी आपवा मांगता होय तो बिल्कुल नोंधावी शके छे, समाज नो ओकेशन चाली रह्यो छे अने समाज ने ज्यारे जरूर होय छे त्यारे हर हमेशा ऊ दान आपता होय छे अने आपे ज छे एवी आशा राखी छे, धन्यवाद। Yeah, yeah, yeah.
जीतने के लिए 60 यानी कि 60 का टारगेट यहाँ पे सेट किया है आर्य एनर्जी के बैटर्स ने टीम ने, और जीतने के लिए इस बार श्री गणेश के दो प्रारंभिक बैटर आप बिल्कुल देख सकते हैं। हर बार की तरह कप्तान तुषार भंडारी अपने दो प्रमुख फ्रंटलाइन बैटर प्रिंस और नितिन की जोड़ी बीच मैदान में प्रति ओवर 10 का औसत रखा है। चलिए मैच में मजा आने वाला है, और सुबह से फिर से एक बार जिसकी मैं तारीफ करना भूल चुका अंपायर मिस्टर कादिर शर, और उसके साथ में नरगोल से बिलोंग करने वाले चांद खलीफा लेदर क्रिकेट के बेहतरीन विकेट कीपर बैटर। नरगोल को क्रिकेट में अगर किसी ने बनाया है चांद सर ने बनाया है, जिनकी लेदर क्रिकेट की जो भारत आज नरगोल में जो बड़े बड़े रणजी प्लेयर बने हैं वो चांद सर का भी बहुत बड़ा मूल्यवान उसमें सहयोग था। और आने वाले समय जिस तरह हम अर्चन नगवास वाले को देख रहे युवाओं को प्रोत्साहन करने में चांद खलीफा का बहुत बड़ा हाथ रहा था, वो चांद सर आज अपना क्रिकेट का अनुभव हमारे इस समाज बीएसपीएल भंडारी समाज प्रीमियर लीग में अंपायर की भूमिका अदा कर रहे। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, दोनों अंपायर ने रोजा रखा है, फिर भी 35 डिग्री सेल्सियस तापमान में कंटिन्यू सुबह से लेके 3 घंटे ऑलरेडी हो चुके और खड़े बीच मैदान के अंदर। चलिए 60 कादिर सर सामने वाला अंपायर कादिर सर। चलिए पहली ओवर लेके आ रहे आर्य एनर्जी के गेंदबाज पंकज इस बार लेफ्ट हैंड बैटर। पहली गेंद बड़े स्ट्रोक के लिए जा रहे थे, 60 का टारगेट यहां पे लिखा है, उसको चेस करने के लिए चेस मशीन के रूप में मिस्टर प्रिंस। प्रिंस लेफ्ट हैंड बैटर, पहली गेंद सटीक दिशा में डाली थी पंकज के द्वारा, इस बार हवा में उड़ाया इन्नी है, मिलेगा भंडारी समाज परफेक्ट विकेट। यूट्यूब के ऊपर लाइव टेलीकास्ट आप देख सकते हैं, जिसका चैनल रहेगा एवी राउट नेटवर्क्स एके एवेंचर के माध्यम के ऊपर आप लाइव मैच देख सकते हैं। आपके परिवार जन जो बाहर गए आउट ऑफ इंडिया के उसे भी बता सकते हैं कि लाइव मैच समाज का आज स्नेह मिलन चल रहा है। इस मैच में सभी युवा बीच मैदान के अंदर अपने प्रतिभा अपना हुनर अपना जज्बा बिल्कुल दिखा रहे, अपना तजुर्बा और एक्सपीरियंस दिखा रहे। आने वाले समय में भारत में आईएसपीएल जैसी बड़ी लीग हो रही है, वहां पे फ्यूचर ब्राइट करने के लिए इस तरह का स्नेह मिलन रखा गया क्रिकेट के माध्यम से आज का बुलेटिन की सबको हार्दिक शुभकामनाएं सभी यूट्यूब यूजर और आए हुए सभी दर्शक मित्रों को। शॉट का लग सका है 0 के ऊपर पहला विकेट का पतन, प्रिंस बैक टू द डगआउट इस बार तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए। मितेश जो एक अच्छे गेंदबाज थे आज बल्लेबाजी के लिए फिर से बीच मैदान में श्री गणेश की ओर से आए, लेकिन पंकज लेफ्ट हैंड गेंदबाज सुपर गेंदबाजी अब तक। इस बार शायद एज लगी थी, आवाज जरूर आया था, भाविन नाराज थे यानी कि दस्तानों में आए थे उसके बाद गेंद निकली थी, थोड़ी सी आवाज बिल्कुल महसूस की थी।
अपने आप से नाराज कप्तान, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, एक बड़ा विकेट मिल सकता था, कीपर बहुत ही क्लोज बिहाइंड द स्टंप, एक अच्छी विकेट कीपिंग देखने को मिली, लेकिन इस तरह के कैच लपकते जा सकते थे। चलिए देखते कितना पनिशमेंट मिलती इस बार आर्यन एनर्जी को। अगली गेंद पंकज की, ये शॉट ऑफ लैंड डाले थे इसको अच्छी तरह से, बहुत किया हुआ स्ट्रोक, लॉन्ग लेग के रीजन को अच्छी तरह से क्लियर किया, मिलेगा बंडा दे समझ, परफेक्ट चौका। उसको कहीं ना कहीं दूर करने की क्षमता रखी इस शॉट के साथ मितेश ने, चार रन चार गेंदे फेस किए, सफलता मिली एक गेंदबाज को। चलिए अगली गेंद पांचवी गेंद, मालवन छोर से गेंदबाज नहीं करेंगे मिस्टर पंकज, इस बार स्लॉट में तरूर डाले थे लेकिन यॉर्कर रन थी, ये गेंद खोद के निकालने का प्रयास था मितेश का, लेकिन मिलेगा डॉट बॉल, प्रति ओवर 10 के औसत से रन चेस करना होगा और वो करने के लिए मितेश मितेश और नितिन राउत की ये जोड़ी अभी बीच मैदान में चल रही है। अगली गेंद अंतिम गेंद इस पहले ओवर के सर्कल के, इस बार थोड़े से सफल होके खेलने का प्रयास था, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही अच्छी, पहली ओवर यहां पे ऑलमोस्ट समाप्त हो चुकी है और स्कोरबोर्ड की बात की जाए तो रन लगे 5 रन एक विकेट के नुकसान पे, अभी भी जीतने के लिए रन चाहिए, 30 गेंद में 55 रन। हेलो, चलिए फिर से एक बार अब मैदान के अंदर चलते हैं, येलो टी शर्ट फिर से एक बार बता दे, एक बड़ी टीम का हिस्सा रहती है, आप बिल्कुल देख सकते इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया ने टीम येलो टी शर्ट रहती है, चेन्नई सुपर किंग आप देख सकते हैं बड़ी टीम की निशानी हर बार बड़ा करते, क्या आज आर्यन एनर्जी वो लड़ पाएगी, डू और डाई मैच है। और फिर से दोनों टीम के ऑनर का नाम आपके समक्ष लेने आता हूँ, मिस्टर भरत भाई पटेल और तुषार भाई पटेल, जो हमारे समाज के अंबानी बंधु कह सकते हैं, छोटे अंबानी छोटे अडानी बंधु कह सकते हैं, क्या आज उसके ऑनरशिप में मैच रंग बिखेर पाएगी, क्या फिर से एक बार श्री गणेश, फिर से एक बार उसके ऑनर मिस्टर अशोक भंडारी और मिस्टर राउत प्रदीप राउत की ये टीम बिल्कुल लड़ रही है, आज फाइट कर रही है जीतने के लिए, बात की जाए तो 30 गेंद में 55 रन, एक बहुत बड़ा मुकाबला बीच मैदान के अंदर, एक और टीम रन्स बनाने का प्रयास, दूसरी ओर आर्य एनर्जी के गेंदबाज पूरी तरह से रोकने का प्रयास, एक अच्छा बैटल बीच मैदान के अंदर। इस बार गेंदबाजी में पहला परिवर्तन कप्तान अमित अपने फ्रंट लाइन गेंदबाज मिस्टर मनीष को लेके आए और स्ट्राइक लेंगे इस बार मिस्टर नितिन रा मितेश, इस बार अच्छी गेंद थी हवा में थी, गेंद हेड के हाथ में आई थी, हैंड और आई का जो कॉम्बिनेशन रहता है आखिरी वक्त तक आंख की जो निगाह रहती है वो हटाई, जिसके कारण कैच छूटा था, गलतियां हुई है उससे पहले वाले ओवर में भाविन से कैच छूटा था। देखते हैं कितना पनिशमेंट मिलता है आर्य एनर्जी को, क्योंकि बल्लेबाजी में गहरा, इस बार स्ट्राइक पे चले गए नितिन राउत, पहली गेंद फेस कर रहे, इस बार अच्छा शॉट खेला था, कवर के ऊपर से खेलने का यहाँ पे प्रयास था, लेकिन एक रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं और इसी एक रन के साथ स्कोरबोर्ड के ऊपर 7 रन हमारे साथ स्कोरल में आज सुबह से ज्वाइंट हो चुके कुणाल भंडारी, समाज के इस ओकेजन को हैप्पीनेस चप्पल बनाने के लिए स्कोरल की भूमिका सबसे अच्छी रहती है कुणाल भंडारी और साथ में मिस्टर श्रेयस के द्वारा ऑनलाइन स्कोरिंग, धन्यवाद दोनों भाइयों के लिए। फायर उड़ाया, हवा में उड़ाया, टाइमिंग इतनी सही नहीं लेकिन फील्डर वहां पे बहुत ही चुस्त फील्डिंग, थ्रो बिल्कुल सही, 2 रन मिलेगा और इसी 2 रन के साथ स्कोरबोर्ड की बात की जाए तो रन पहुंचे 9 रन, जीतने के लिए 60 का टारगेट सेट किया था, अभी भी 51 रन पीछे, जानते हैं मितेश अच्छी तरह जानते हैं, नितेश राउत अच्छी तरह जानते हैं किस तरह से सर्कल की अवधि का एडवांटेज लेंगे। ओ ब्यूटी ऑफ द गेम, ब्लॉक बॉल में जरूर डाली थी, कीपर के बिल्कुल सामने से गेंद चली गई लेकिन डॉट बॉल मिलेगा बिंदी गेंद, पंकज मनीष जब जब आते एक अच्छी शुरुआत देते टीम, आज भी वही देखने को मिला जिन्होंने 4 गेंद डाली है रन खर्च के केवल 4, सुपर गेंदबाजी मनीष के द्वारा, लाइन और लेंथ को अच्छी तरह से कंट्रोल में किया, अंत तो पीच गेंदबाजी होती है।
ये थोड़ी सी स्लॉट में डाली थी लेकिन फील्डिंग क्या सजाई आज सुपर कप्तानी भाविन, कप्तान भाविन की तारीफ करूंगा। क्या प्लेसमेंट सजाया, बल्लेबाजी के जो वीक पॉइंट है प्लस पॉइंट जो अच्छी तरह जानते हैं उसके अगेंस्ट फील्ड प्लेसमेंट देखने को मिला आज। ओहो ब्यूटी ब्यूटी, रन आउट हो सकता है, दूसरे के लिए जाएंगे जी नहीं। यहाँ पे दो ओवर की समाप्ति पे स्कोरबोर्ड के ऊपर लगे केवल 10, जीतने के लिए रन चाहिए 24 गेंद 50 रन। मित्र एक मैनेजमेंट द्वारा एक जाहिरात आई है, खरेखर खूब मोटी जाहिरात है कि आपणे आपणा जे माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी साहेब छे जेमने समग्र देश ने स्वच्छ बनावा माटे स्वच्छता अभियान ने झुंबेश उठाव्यो छे, ए आपणे पण आपणा बाळकोने संस्कार आपवाना छे। पाणीनुं ग्लास होय के वेफर खाधुं पेकेट होय कोई पण प्रकारनो कचरो डस्टबिन मां राखवानो छे, तेमज आ टूर्नामेंट ने सफल बनावा माटे जे दाताए दान आप्युं छे ए अविरतपणे चालू रहेशे। तमे फूलनी तो फूलनी पाकड़ी आपी आ समाजनो आ कार्यने भगीरथ कार्यने सफल बनावा माटे आपनो सहयोग मळे एवी आशा राखीए छे। धन्यवाद। चलिए कप्तान भाविन ने अपने तीसरे गेंदबाज को तीसरे ओवर में बुलाया गया है और वो गेंदबाज है मिस्टर पिनाकिन। 24 गेंद में 50, एक और मितेश तो दूसरी और नितिन, ये दोनों की जोड़ी यहाँ पे प्रति ओवर 12 के औसत के ऊपर चली गई है। किस तरह से रन चेस करेंगे ये रेस चेस मशीन। चलिए डू और डाई मैच चल रहा है श्री गणेश 11 का, जानते अगर ये मैच हारेंगे तो दिक्कतें बढ़ जाएगी टॉप फोर में पहुंचने की, क्योंकि आईपीएल का शेड्यूल जिस तरह से मैनेज किया जाता है वही हमारे समाज बीएसपीएल भंडारी समाज प्रीमियम लीग के मैनेजमेंट ने किया है। आपको आईपीएल का पूरा शेड्यूल देखने को मिलेगा, उसी तरह से हर एक टीम एक एक मैच खेलेगी, हर एक टीम के साथ 7 टीम है यानी कि 6 मैच खेलना है और आर्य एनर्जी 6ठा मैच खेल रही है और हमारी गणेश श्री गणेश 11 5वां मैच खेल रही है। डू और डाई मैच, जो टीम जीतेगी टॉप 4 के लिए आगे बढ़ेगी, जो हारेगी उसके लिए दिक्कतें बढ़ेगी। जीतने के लिए अभी भी रन चाहिए 46, स्कोरबोर्ड के ऊपर रन लगे 14, गेंदे फेस करने मिलेगी आपको 21 गेंद में 46। न्यू बैटर कप्तान, पहली गेंद कैच की अपील वहां पे हिरेन, इस टीम के मेंटर बहुत तेज हिरेन भाई की तारीफ करूंगा, सीनियर प्लेयर है लेकिन जिस तरह से एफर्ट लगा रही है, टीम के मॉन्टर टीम के झोंटी के रूप से जाने जाते हैं, क्या एफर्ट देखने को मिले। डू और डाई मैच में पूरी जीचान लगाने वाला प्रयास, 2 रन मिलेंगे स्कोरबोर्ड के ऊपर 16, जीतने के लिए रन चाहिए 44 अभी भी। हवा फायर उड़ता हुआ तुषार भाई का ये स्ट्रोक मिलेगा भंडारी समाज मैक्सिमम स्कोरबोर्ड को पूरी तरह फ्लाई करता हुआ पिना किंग अगेंस्ट बड़े हिट, तुषार के पास क्षमता है बड़ी शॉट खेलने की। फिर से एक बार थोड़े से यहाँ पे टाइमिंग सही नहीं, शॉट को मैनेज नहीं कर पाए थे लेकिन एक रन आसानी से साथ पूरे करेंगे और इसी एक रन के साथ श्री गणेश 11 का स्कोर रुका हुआ है 23 रन। 3 ओवर की समाप्ति पे 23 और जीतने के लिए 18 गेंद में रन चाहिए 37 अटल बॉल में 37.5। फिर एक बार समाज ना ओकेजन ने सफल बनावा माटे खरेखर खूब खूब धन्यवाद आपो छो तमाम दाताओ, फरी एक वार जेओ दिल थी नथी परंतु हृदय ना द्वार खोली ने दान आपे छे एवा दाता अशोक डी भंडारी नारगोल नवात्रा 3,210 रूपया, अर्जुन भाई बी भंडारी नारगोल तरफ थी 251 रूपया, नरेंद्र डी राउत नारगोल नवात्रा एक तरफ थी 251 रूपया, राकेश भाई फर्नीचर ग्रुप नारगोल तरफ थी 1100 रूपया, बाबू भाई एम भंडारी नारगोल नवातरा 3 तरफ थी 500 रूपया, चंद्रकांत जीवन भाई राउत नारगोल नवातरा एक तरफ थी 201 रूपया, जितेंद्र बी राउत नवातरा एक तरफ थी 151 रूपया,
महेश पी राउत नारगोल नवातळो एक तरफ थी 110 रुपया, नरोत्तम के भंडारी नारगोल नवातळो त्रण तरफ थी 110 रुपया। फरी एक बार तमाम दाता है जो दिल खोलने जो दान आप्यु जे समाज ने जे युवाओं ने प्रोत्साहन करवा माटे जे पोताने खिस्साओ खोलिया छे हृदयना द्वार खोलिया छे अने आ टूर्नामेंट ने मां जगदंबा धाम ने आ टूर्नामेंट ने सफल बनावा माटे सर्व दाताओं नो खूब खूब आभार। तुषार इस बार ड्राइव करने का प्रयास, ऑन ड्राइव देखने को मिलेगा आपको, डीप बैकफुट मिड विकेट के रीजन में एक रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया और इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर 24, जीतने के लिए अभी भी 36 रन चाहिए, गेंदे फेस करनी है 17। ये बहुत बड़ा बैटल मीत सबसे बेहतरीन गेंदबाज में से एक गेंदबाज रहते आज कप्तान ने भाविन ने उसको चौथी ओवर दी है। जानते हैं ये बहुत बड़े गेंदबाज है लेकिन तुषार जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल है कि श्री गणेश इलेवन ये बहुत बड़ा वापसी कर पाएगी। इस बार स्ट्राइक पे है बैटर मिस्टर राउत, हल्के हाथों से कलाइयों को मोड़ा, सेंसिबल क्रिकेट जिसे हम कह सकते हैं। प्रमुख बैटर मिस्टर तुषार को क्रीज पे लाने की जो रणनीति थी बिल्कुल सही थी, एक रन के साथ स्कोर बोर्ड के ऊपर रन लगे 25, जीतने के लिए रन चाहिए 35, गेंदे फेस करने मिलेगी आपको 16। और तुषार भंडारी अच्छी तरह जानते हैं एक अच्छे कप्तान ने रोहित शर्मा की तरह कप्तानी करते हैं और आज रोहित शर्मा की तरह पारी खेलनी होगी, एक फिनिशर की भूमिका अदा करनी होगी आज। इस बार तेज दर्रार लेकिन दिशा सही नहीं, डाउन द लेग अतिरिक्त के रूप में एक रन मिलेगा, अभी भी जीतने के रन चाहिए 34। बहुत बड़ा बैटल तुषार के सामने मीत, ये बहुत बड़ा बैटल है, कहते हैं ना कि छोटे छोटे अगर मैच में वापसी करनी है मैच जीतना तो छोटे छोटे बदलाव करने पड़ेंगे। इस बार फुल टॉस बना के खेला था, मिसफील हुई फील्डर के द्वारा, गलतियां एक एक रन के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि नेट रन रेट भी आपको बरकरार रखनी है, ये बात भी ध्यान में रखनी है। तुषार अच्छी तरह जानते हैं दो रन के साथ स्ट्राइक अपने पास रखा है, स्कोर बोर्ड के ऊपर हम स्कोर 28 रन, जीतने के लिए रन चाहिए अभी भी 32 रन, गेंदे फेस करनी है 15 गेंद में 32 ऑलमोस्ट 12.5 का औसत है। ये ओवर बड़ा ओवर में तब्दील करने का प्रयास तुषार के द्वारा, फुल टॉस बनाया, बहुत अच्छा ड्राइव, प्लेसमेंट बिल्कुल सही, मिस फील्ड मिलेगा भंडारे समाज पर पिक चौका। आज तुषार भंडारे सकारात्मक सोच के साथ बल्लेबाजी करते हुए हर एक पड़ाव को जीतने का प्रयास है तुषार के द्वारा। चलिए अगली गेंद इस बार एज लगा है, ये बहुत बड़ा विकेट भाविन के द्वारा, कोई गलती नहीं, मिलेगा भंडारी समझ परफेक्ट कैच। तुषार कप्तान की यहाँ पे छोटी सी पारी समाप्त हुई, 7 रन बना के अभी भी 12 रन बना के ना आउट हो चुके, टीम को थोड़े से स्ट्रगल महसूस कर रहे थे, वहां पे एक बड़ा विकेट लिया इस बार मीत ने। तुषार एक ऐसे बल्लेबाज थे जो इस मैच का रिजल्ट को परिवर्तन करने की क्षमता रखते थे लेकिन बैक टू द डगआउट, ये बहुत बड़ी विकेट है आर्य एनर्जी के लिए। जीतने के लिए रन की बात करो तो 13 गेंदे फेस करनी है रन बनाने, 13 गेंद 28 रन चाहिए इस बार बैटिंग के लिए। दीप को भेजा गया इस बार बल्लेबाजी करने के लिए, 5वें नंबर पे बैटिंग करने के लिए, क्या दीप इस बार श्री गणेश की डू और डाई मैच में वापसी कर पाएंगे, क्या फिर से एक बार मीत अपने जो रंग बिखर रहे थे आज सुबह से लेके अब तक दूसरे मैच में वो बरकरार रखेंगे, ये बहुत बड़ा बैटल है। 13 गेंद में 28 रन चाहिए, वहां से किस तरह से लीड करेंगे बैटर्स। चलिए मालवन छोर से गेंदबाजी, ओ हो
क्लीन बोल्ड। पकड़ बनाई है इस बार। कहते हैं ना जब चुनौतियां बड़ी होती है तो मनीष जैसे चैंपियन खड़े होते हैं, क्योंकि मनीष ने गेंदबाजी में आज दूसरी मैच चल रही है सुपर गेंदबाजी के दूसरी ओवर डालने आए थे, वहां पे रनों की गति को कंट्रोल में किया था। जब दूसरी ओवर डालने आए तो उन्होंने केवल 5 रन दिए थे, सुपर गेंदबाजी। लाइन को अच्छी तरह से मेंटेन करते, लेंथ को अच्छी तरह से पहचानते और अच्छी रिलीज पॉइंट डालते है। इस बार 12 गेंद 28 रन टीम के बेहतरीन बैटर मिस्टर प्रदीप राउत टीम के ऑनर चले गए नॉन स्ट्राइक छोर पे, लेकिन स्ट्राइक लेंगे इस बार बैटर मिस्टर नितिन। प्रारंभिक बैटर के रूप में गए, 2 गेंद से फेस किए, ज्यादा तो स्ट्राइक नहीं मिले, लेकिन क्षमता इस नौजवान के पास बड़े शॉट खेलने की, वापसी करने की। मनीषा है पहली गेंद कट किया थर्ड मैन के रीजन में, एक चिकी रन जिसे हम कह सकते वो चुराया। जानते हैं एक एक रन यहाँ पे मूल्यवान है। 11 गेंद 27 इस बार आपके टी स्क्रीन के ऊपर जो बैटर गए प्रदीप राउत इस टीम के ऑनर है, उसके साथ अशोक भाई भंडारी जिन्होंने श्री गणेश इलेवन को खरीदा था। आज ऑनर को खुद बीच मैदान में उतरना पड़ा है, टीम की जो रिक्वायर्ड रन रेट है 11 गेंद में 27 उसको चेस करने के लिए चेस मास्टर के रूप में आज बीच मैदान में मिस्टर प्रदीप राउत गए। लेकिन सामने है सबसे बेहतरीन गेंदबाज मिस्टर मनीष। इस बार प्रयास था, बड़े शॉट खेलने की चाहत रखी थी, स्क्वायर अप द विकेट, लेकिन मनीष की जो लेंथ है उसको पहचानना पड़ेगा, उसके बाद बल्ले को चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये वो गेंदबाज है जो कुछ अलग करते हर बार, मिश्रण में से गेंदबाजी करते, सुपर गेंदबाजी करते, जिसका नाम बड़ा है, जिसका काम बड़ा है, वो है मिस्टर मनीष, जिन्होंने अपनी पहचान बनाई अपने गेंदबाज से। इस बार कलाइयों का मोड़ने का प्रयास था, फ्लिप शॉट खेलने का प्रयास, भाविन के द्वारा एक बिहाइंड द स्टंप में एक सुपर कीपिंग देखने को मिली, 1 रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड के ऊपर रन्स लगे 34, जीतने के लिए रन सही अभी भी 26 और गेंदें फेस करने मिलेगी आपको केवल 9। चलिए आर्यन जी पूरी तरह लीड करती हुई टीम, इस बार गेम को थोड़ा सा लीव करने का प्रयास था, दूसरे के लिए जाने के प्रयास नितिन के द्वारा आसानी के साथ 2 रन, तीसरे के लिए जाएंगे जी नहीं, राउत आगे निकल चुके हैं, लेकिन 2 ही रन मिलेगा और इसी 2 रन 2+1 स्कोरबोर्ड के ऊपर, व्हाइट प्लस बाइक के 2 रूप में, यानी कि 2+1 3 रन अर्ज किए जाएंगे और इसी 3 रन के साथ गणेश इलेवन का स्कोरबोर्ड था हुआ 37 रन। जीतने की बात की जाए तो रन चाहिए 9 गेंद में 23 रन 9 गेंद 23 रन 9 ओवर में 23। नितिन प्रयास बिल्कुल हो रहा है, प्रारंभिक बैटर के रूप में आए, लेकिन गेंदबाजी डेंजरस हो रही है, पूरी एक्यूरेसी देखने को मिली है, लेंथ में बदलाव करते हैं, कभी आगे डालते कभी पीछे कभी हाफ ट्रेकर, तो कहीं ना कहीं वो मिश्रण देखने को मिला मनीष की गेंदबाजी में, येलो टी शर्ट में पूरी तरह से आज लड़ रहे आज। इस बार नितिन ने हाथ खोला, ओवर कवर, कवर ड्राइव देखने को मिली, मिलेगा इस बार चौका, भंडारी समाज परफेक्ट चौका। चलिए मैच क्लोज बनता हुआ 7 गेंद में 19 रन। कल राकेश फर्नीचर की टीम में 16 रन चेस किए थे, 7 गेंद में 19। इस बार नितिन तैयार, फुल टॉस थी, प्रयास था बड़े शॉट का, लेकिन जो सोच बनाई थी उसपे खरे नहीं उतरे, 1 रन के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे, यानी कि जीतने के लिए रन चाहिए 6 गेंद 18 रन।
और नेक्स्ट मैच रहेगी राकेश फर्नीचर वर्सेस नारगोल पैंथर्स के बीच में रहेगा। दोनों टीम से विनती है टॉस के लिए प्लीज चले आइए। 6 गेंद में रन चाहिए 18। इस मैदान के ऊपर रन चेस करते हुए देखा है, रन डिफेंस करते भी देखा है, लेकिन कप्तान भाविन कौन से गेंदबाज को ले आएंगे? मैं तो चाहता हूँ कि मीत ही लाए और वो ही आया, क्योंकि मीत हर बार दो दो ओवर डालते और जानते इस विकेट के एडवांटेज को अच्छी तरह पहचानते। 6 गेंद में 18, क्या नितिन फिर से एक बार इस मैच के हीरो बन सकते, इस BSPL के सबसे बेहतरीन बैटर बन सकते नितिन? क्या फिर से एक बार मीत अपनी नेचुरल गेंदबाजी करेंगे? बहुत बड़ा बैटल, 6 गेंद 18, पहली गेंद इस बार ओवर द विकेट। इस बार गैप को ढूंढा प्लेसमेंट बिल्कुल सही मिलेगा मंडाले समझ परफेक्ट चौका। पांच गेंद में 14। इस बार दबाव को अच्छी तरह से टैकल किया सुपर बल्लेबाजी नितिन के द्वारा। 5 गेंद में 14 रन इस विकेट के ऊपर बन सकते हैं। डिफेंड होते हुए देखे, चेस होते हुए देखा, ये बहुत बड़ा बैटल है। आर्य अपनी अंतिम मैच के लिए आ रही एनर्जी और वहां पे मैच क्लोज बनता हुआ, रोमांचक मुकाबला, डू और डाई मैच। खेल खेलने का मजा तब आता है जब सामने वाला खिलाड़ी होता है और वो खिलाड़ी है मिस्टर नितिन राउत, सुपर बल्लेबाजी अब तक मीत के अगेंस्ट। बिल्कुल थोड़े से स्टेप आउट जरूर हुए मीत, ये बहुत बड़ा मुकाबला है, डू और डाई मैच। हारेंगे तो शायद दिक्कतें बढ़ेगी दोनों टीम्स की, जो जीतेगा वो टफ फॉल के लिए आगे बढ़ेगी। इस बार ब्लॉक ऑल में डाले थे लेकिन फील्ड प्लेस में बिल्कुल सही, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं और आसानी के साथ 2 रन पूरे किए, जीतने के लिए 4 गेंद में रन बनाने 12। अगर एक छक्का भंडारी समाज मैक्सिमम लगेगा तो मैच बन सकता है। 4 गेंद में 12 रन चाहिए, इन्फॉर्म बल्लेबाज मिस्टर नितिन राउत आंखें जम चुकी है। इस विकेट में शुरुआती प्रारंभिक बैटर के रूप में आए तब तक छोर संभाल के रखा है। 4 गेंद में 12, केतन को आगे लेके और हित को पीछे रखा है, सिली मिड ऑफ केतन के रूप में रखा है, हित को पीछे लेके गए। 4 गेंद 12, फुल टॉस गेंद थी, डीप में फील्डर है, मिस फील, मिलेगा बंडारी समझ परफेक्ट चौका। तीन गेंद में आठ रन नितिन के द्वारा बेहतरीन फायरिंग। इस ओवर में 2 चौके और 2 रन लेके कुल रन बनाए 10। 6 गेंद में 18 रन चाहिए थे, वहां पे 3 गेंद में 10 रन ऑलरेडी बटर चुके। मीत यहाँ पे थोड़ी से दबाव महसूस कर रहे लेकिन मीत के पास वो क्षमता है। एक और नितिन, दूसरी और मीत, कश्मकश भरा बैटल, डू और डाई मैच में पूरी तरह फिनाले जैसा माहौल। चलिए फुल टॉस, सुन भी गो, दो गेंद में 8 रन, एक बेहतरीन जज आयुष, कौन जा रहा है, आयुष। 2 गेंद में 8 रन चाहिए थे, एक छोटा सा नौजवान बीच मैदान के अंदर जा रहा है, एक सुपर कैच, इतना आसान रहता सीमा रेखा के बिल्कुल नजदीक इस तरह के कैच को लपेटना। कहते ना कि फर्क नहीं पड़ता एडिया उठाने से, कहते ना कि फर्क नहीं पड़ता एडिया उठाने से, ऊंचाइयां हासिल होती है कुछ कर दिखाने से, और वही कुछ कर दिखाया फील्डर्स के द्वारा। डीप मिडविकेट के रीजन में एक आसान सा कैच लपका, एक अच्छी जज के साथ वो टाइमिंग भरा कैच देखने को मिला। इस बार कौन के बैट्समैन, 2 गेंद में 8 रन चाहिए, अविश, आयुष बदोनी की याद दिला दी अविश ने। चलिए क्या कर दिखाएंगे, बदोनी की भूमिका अदा कर पाएंगे? 2 गेंद में 8 रन चाहिए, सामने अनुभव, ओहो ब्यूटी ऑफ द गेम, ओहो हो,
अगर थ्री में लगी आपको भाग के रन लेना होगा, टूर्नामेंट का रूल है ये, दौड़ के रन लेना होगा। अगर बीच में अगर किस्मत का साथ वीरो का साथ रहता है, इस बार येलो के साथ आर्य एनर्जी के साथ ये चौका हो सकता था। चलिए कुछ नहीं, एक गेंद में चाहिए छे। आयुष बदोने तैयार। ओ माय गॉड, प्रयास बिल्कुल देखने को मिला था, लेकिन ये मैच टू ऑल टाइम मैच किसने जीता? मिस्टर तुषार पटेल और मिस्टर भरत पटेल की ऑनरशिप ने मैच को जीता, येलो टी शर्ट। अच्छा हेलो 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 हेलो, मैनेजमेंट से विनती है कि जो टीम की जो टॉप लिस्ट है वो बताए कि हम बता सकते हैं कौन सी टीम आने वाली है तो अच्छा रहेगा। होना ही चाहिए क्योंकि कौन सी टीम टॉप पे चल रही है, कौन सी सेकंड थर्ड फोर्थ, ये एक लिस्ट होनी चाहिए तब जाके हम बता सकते हैं। चलिए इस टीम को, इस टूर्नामेंट, इस भंडारी समाज प्रीमियम लीग यानी कि चलिए टॉप फोर की लिस्ट। सबसे पहले स्वस्तिक एंटरप्राइज चल रही है जिसके पांच मैच के लिए तीन मैच जीता है 6 पॉइंट। उसके बाद राकेश फर्नीचर पांच में से तीन जीता है 6 पॉइंट। आर्य 11 पांच में से तीन। आर्य 11 ने सबसे ऊपर चली गई है,
चार मैच जीता है छह में से, ये चार टीम आपको देखने को मिले। स्वस्तिक यहाँ पे ऊपर है सेकंड नंबर पे, स्वस्तिक इंटरप्राइज, थर्ड पे राकेश फर्नीचर और फोर्थ पे स्टार वॉरियर्स। तो ये चार टीम अब तक सुपर फोर में आ चुकी है। दूसरे टीम के पास भी अभी भी मौका है, तो मौके को बरकरार रखने का प्रयास जरूर रहेगा इस बार नारगोल पैंथर के लिए। डू और डाई मैच। चलिए इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए जो हमारे जो दाता है, जो हर बार की तरह दर वर्ष ने जेम आवर से पण जिमने પોતાના હૃદયના દ્વાર ખોલીને દાન આપ્યું છે એવા કાંતિલાલ એમ પટેલ નારગોલ નવાતળા બે તરફથી 150 રૂપિયા, રમેશભાઈ એમ પટેલ નારગોલ નવાતળા બે તરફથી 200 રૂપિયા, પીલાઈ ચંદ્ર ડી રાઉત, પીલાઈ ચંદ્ર ડી રાઉત નવાતળા એક તરફથી 201 રૂપિયા, ઈશ્વરજી ભંડારી, ઈશ્વરજી ભંડારી નારગોલ નવાતળા ત્રણ તરફથી 101 રૂપિયા, હરીશભાઈ જી ભંડારી નારગોલ નવાતળા ત્રણ તરફથી 200 રૂપિયા। ખરેખર ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમામ દાતાઓનો જે દાન આપ્યું છે, જે સમાજની જે યુવા શક્તિને આગળ વધારવા માટે જે જહેમત ઉઠાડી છે એવા તમામ દાનવીર દાતાઓનો આભાર, ને જે વડીલ બંધુઓ જે આ ટુર્નામેન્ટને બોલ આપજે ભાઈ, આ ટુર્નામેન્ટને જે ભંડારી ભોજન આજે આપણે જમવાના છે માણવાના છે એ ભંડારી ભોજન બનાવી એવા તમામ સમાજના વડીલોનો દિલથી પૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરે છે। આ ટુર્નામેન્ટને ઓકેઝનને સફળ બનાવવા માટે, હેપીને સફળ બનાવવા માટે જે જહેમત ઉઠાવી છે એ બદલ સૌનો આભાર। चलिए टूर्नामेंट के रूल में फिर से एक बार बता दूं, 6 ओवर का मैच रहेगा, 2 ओवर सर्कल यानी पावर पे रहेंगी, जो बीच मैदान ने अंदर जो झाड़ छे ए झाड़ ने बॉल लागसे तो दौड़ीने रन लेवानो छे। मैदान ने अंदर कोई कूतरू होय के गाय माता होय जेमने पण बॉल वागसे तो आपणे दौड़ीने रन लेवानो छे। मैदान ने अंदर जो झाड़ छे एमने झाड़ ने ऊपर लागीने कैच पकड़से तो पण दौड़ीने रन लेवाना छे, आउट गणवामां आवशे नहीं, ए वात ध्यानमां राखवानी छे। चलिए इस मैदान के अंदर लीग मैच का ये अंतिम मैच, ये तीसरा मैच चल रहा है आज का लीग मैच तीसरा, उसके बाद एक और मैच बचेगा, वो मैच रहेगा स्टार वॉरियर्स वर्सेस श्री गणेश इलेवन। चलिए मैदान के अंदर राकेश फर्नीचर की अंतिम लीग मैच छठा मैच, अंपायर का सिग्नल रेडी कार्डिक सर, पहली ओवर चेतन राउत, पहली गेंद पंतर ने अपने हाथ को ले, पहली गेंद के मिलेगा इस बार कवर के ऊपर से मिलेगा भंडारी समाज, परफेक्ट चौका। हेलो हेलो हेलो, जीत ने लगातार दो गेंद के ऊपर स्ट्रोक खेले, दोनों के दोनों ऑफ साइड की दिशा में, एक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, दूसरा इस बार पॉइंट के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक। दो चौके के साथ नारगोल पैंथर ने अपने हाथ को 8 रन, सुपर बल्लेबाजी चेतन के अगेन इतना आसान नहीं, तो वहां से ये नौजवान ने जिस तरह से अपनी भुजाओं में जो बल था उसका बेहतरीन इस्तेमाल किया, टाइमिंग का इस्तेमाल किया, इस बार कप्तान ने फील्ड प्लेसमेंट चेंज किया, एक्स्ट्रा कवर के फील्डर को 30 गज के दायरे के बाहर लेके आए, और एक फील्डर आप बिल्कुल देख सकते हैं एक डीप स्क्वायर लेग। इस बार बड़े स्ट्रोक के लिए जाना चाहते थे, प्रयास बिल्कुल था ऑन साइड की दिशा में खेलने का, लेकिन डॉट बॉल थोड़ी सी गेंद टप्पा बनने के बाद थोड़ा सा मूव हुई थी, बाहर निकलती हुई गेंद थी, ये डॉट बॉल मिलेगी, पहली डॉट बॉल इस पहली मैच पहली ओवर्स की। चलिए अगली गेंद इस बार फिर से एक बार राउत तैयार।
प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक, जिसके बुझाओ में दम उसे मिला मैक्सिमम हीट ऑन फायर, भंडारे समान मैक्सिमम। नारगोल पैंथर यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रगल करती है, शायद 3 मैच हार चुकी है। ये मैच बहुत ही मूल्यवान रहेगा पैंथर्स के लिए, डू और डाई मैच। फिर से एक बार स्क्वायर कट किया हुआ स्ट्रोक, रन आउट हो सकते हैं, ये बहुत बड़ा विकेट, रन आउट के रूप में इस बार जाना होगा बैक टू द डगआउट की शिक को। जिसके कल का दिन कृषि कर रहा था, बड़े बड़े शॉट लगाते थे, लेकिन आज विदाउट गेंद खेल प्लेटिनियम डक गेंद खेला नहीं, बैक टू द डगआउट, थोड़े से नाखुश जरूर होंगे क्योंकि अंतिम मैच चल रहा है लीग मैच का, वहां पे कृषि के ऊपर एक जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी निभा नहीं सके, थोड़ा सा गलत कॉल था, दोनों के बीच में जो रन के बिटवीन द विकेट थी वो थोड़ी सी दूर खराब रही है। विकेट पहला, स्कोरबोर्ड की बात करें 14 रन, 2 चौका 1 छक्का उसमें शामिल, इस बात इसका। हेलो सचिन, सचिन बड़े प्लेयर के बड़े टूर्नामेंट के बड़े प्लेयर है, इस बार राउत ने सुपर गेंदबाजी का अच्छा वेलकम किया था, रनआउट के रूप में विकेट। ये बाहर निकले थे, थोड़े से सफल हुए थे, लेग बाय के रूप में ये अतिरिक्त के रूप में एक रन मिलेगा। यहाँ पे एक लाउडली अपील हुई थी राउत के, लेकिन शायद हाइट के कारण अंपायर कादिर सर ने यहाँ पे नकारा था। एक रन के साथ यहाँ पे पहली ओवर के ऑलरेडी में समाप्त हो गई, स्कोरबोर्ड के ऊपर रन लगे 15। हेलो 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 वॉल्यूम करो, वॉल्यूम माइक ना, हेलो 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 हेलो। चलिए मैदान के अंदर चलते हैं, पहले ओवर की समाप्ति पे स्कोरबोर्ड की बात की जाए तो रन लगे हैं 15। इस बार राकेश फर्नीचर के सबसे बेहतरीन गेंदबाज बीच मैदान के अंदर मिस्टर मनीष पटेल, उसके सामने है एक अनुभव से भरा भंडार सचिन। चलिए अगली गेंद, इस बार ये ब्लॉक हॉल में डाली थी, बहुत ही करीब से गेंद चली गई कीपर के पास से बाय के रूप में मिलेगा इस बार भंडारी समाज, परफेक्ट चौका। स्कोरबोर्ड के ऊपर 19 रन, एक जाहिरात बिल्कुल आई, आज भंडारी भोजन होने वाला है, सभी दर्शक मित्रों खिलाड़ी मित्र एवं परिवार जनों के लिए भी रखा गया है, तो यहाँ पे आपके आपको आज भंडारी भोजन, आज हमारे समाज का स्नेह मिलन भी रखा गया है, ये बात ध्यान में रखनी है। इस बार बैकफुट के गए थे, पुल करने का यहाँ पे जरूर प्रयास था सचिन का, लेकिन मनीष के सामने इतना आसान नहीं रहेगा क्योंकि ये नौजवान का दिल कल का दिन मनीष के नाम रहा था, आज भी बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई है, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज मिस्टर मनीष पटेल है, उसके सामने है बैटिंग कर रहे हैं मिस्टर सचिन। स्कोरबोर्ड की बात की जाए तो 19 रन। ओके इस बार थोड़े से बाहर डाले, शरीर से दूर, अवे फ्रॉम द बॉडी, बल्लेबाज के रडार से। मनीष की बात करूं जिसके सरनेम राउत है, मनीष राउत, क्योंकि हर नाम के पीछे एक पहचान रहती है, वो पहचान है मिस्टर राउत, मनीष राउत के द्वारा सुपर गेंदबाजी, बेहतरीन ऑलराउंडर, बल्लेबाज को बांध के रखा है, सचिन को पूरी तरह से डोमिनेट किया, लेकिन इस बार बल्लेबाज के रडार में डाली थी, सीधे बल्ले से ड्राइव किया, इस बार ऑफ ड्राइव देखने को मिला, मिलेगा एक बार भंडारी समझ, परफेक्ट चौका।
सचिन यहाँ पे थोड़े से संघर्ष कर रहे थे, थोड़े से दबाव महसूस कर, इसको इस शॉट के साथ आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, जानते ये बहुत बड़ा मैच चल रहा है। स्कोरबोर्ड के ऊपर 23 रन, एक विकेट का नुकसान जरूर हुआ, लेकिन अभी भी बैटिंग में गहराई है। ये बाहर निकल के प्रयास था, ऑफ साइड की गेंद को ऑन साइड की दिशा में खेलना इतना आसान नहीं रहता है। ऑक्शन को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास था, लेकिन मनीष राउत की बेहतरीन गेंदबाजी, अब तक वेरिएशन है, गति उसकी, ताकत उसकी, गति उसका मिश्रण, उसकी लेंथ बिल्कुल दिखाई देती हुई। अगली गेंद इस बार स्टेप आउट हुए थे, अंदरूनी एज जरूर लगा था, शॉर्ट लीग स्लिप के पास ये गेंद चली गई, वहां से एक रन मिला और इसी एक रन के साथ ऑलमोस्ट सर्कल की दो ओवर समाप्त हो चुकी है। स्कोर बोर्ड के ऊपर रन लगे 24, विकेट का पतन हुआ है एक। डीजे पहली ओवर थोड़ी सी महंगे साबित हुए चेतन राउत के, लेकिन कप्तान वीरेल भंडारी ने फिर से एक बार फ्रंटलाइन गेंदबाज राउत को लेके आए। पहली ओवर में 21 रन खर्च किए थे, एक बड़ी फायरिंग देखने को मिली थी स्ट्राइकर एंड से मिस्टर जीत के द्वारा, सुपर बल्लेबाज हुई थी। फिर से एक बार कप्तान ने फ्रंटलाइन गेंदबाज को लेकर इस बार स्ट्राइक में स्ट्राइक लेंगे मिस्टर सचिन। स्कोरबोर्ड के ऊपर रन लगे 24, एक विकेट का पतन हुआ है, तीसरा ओवर चल रहा है। राउंड ऑन द विकेट, उड़ाया उड़ाया उड़ाया, लेकिन नीचे है फील्डर, ये बहुत बड़ा कैच मिलेगा भंडारी समाज, परफेक्ट कैच, अलग था नहीं लौटेंगे, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। ये बहुत बड़ा विकेट था, एक बड़ा कैच देखने को मिला था। इस बार विकेट नंबर दो था। नारगोल पैंथर्स की बात करो, इस टीम को ऑनरशिप की है मिस्टर चेतन सर के द्वारा। हाल ही में उस इस साल में उसके पिता के नाम का नारगोल में एक मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट भी, स्वर्गस्थ कांतिभाई मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट भी आयोजन किया था। वो टूर्नामेंट में नारगोल की टीम यानी कि लक्ष्मी विजय ने वो मैच जीता था। चेतन पटेल की वो टीम थी, सुपर टीम थी, वो बहुत बड़ा ओकेजन था, नारगोल में खेला था गया था इस साल, और वो टीम को स्पॉन्सरशिप की आज चेतन ने, नारगोल पैंथर के स्पॉन्सर मिस्टर चेतन पटेल, धन्यवाद सर। और दूसरी ओर राकेश फर्नीचर की टीम पूरी तरह से लड़ती हुई इस बार बल्लेबाजी करने के लिए चौथे नंबर पे बैटर, जिस तरह विराट कोहली की पोजीशन रहती है चार, उसी तरह हर्ष की पोजीशन रहती है चार। 24 रन, दो विकेट के नुकसान पे इस बार राउत ने सफलता दिलाई अपने टीम को। ये अच्छी गेंद थी, गेंद हवा में लहराती हुई मूव होती हुई बिहाइंड द स्टंप, अच्छी कीपिंग देखने को मिली मिस्टर भंडारी के द्वारा। हर्ष को डॉट बॉल निकाला इस बार मिस्टर चेतन के द्वारा, सुपर गेंदबाजी, अब तक वेरिएशन देखने को मिला, टर्न देखने को मिला, स्लॉट में डाले थे, बेहतरीन ड्राइव देखने को मिला इस बार, दर्शक बनेंगे वीरल भंडारी। स्कोरबोर्ड के ऊपर 28 रन, हर्ष जिसके लिए जाने जाते हैं क्योंकि ये पिच हिटर है, क्लियर हिटर है, और वो हिटिंग देखने को मिली। और हमारे साथ आज जॉइंट हो चुके हैं मिस्टर ईश्वर भंडारी सर, जिसकी आवाज आप जानते हैं कि हर तरह हर जगह पे हर ओकेजन में छाई रहती है। वेलकम सर, आइए, आपका तहे दिल से स्वागत है।
थैंक यू मिस्टर प्रज्ञेश बारी जो कि हमारे सुशील दोषी की माफी कमिटी देते हैं, हम उसका अभिवादन करते हैं। सभी दर्शकों एवं खिलाड़ी मित्रों को मैं तहे दिल से अभिवादन करता हूं। यहां जो बीएसएनएल भंडारी समाज प्रीमियर लीग के तहे से खेला जा रहा है, टूर्नामेंट खिलवाया जा रहा है, बहुत सराहनीय है, उसकी जितनी तारीफ की जितनी कम है। जो खुशनुमा वातावरण में इस मैच को खिलवाया जा रहा है, बिल्कुल समुद्र के बिल्कुल नजदीक सरोवर की हरियाली पे इस टूर्नामेंट को खिलवाया जा रहा है और आउट होने वाले खिलाड़ी आ रहे हैं बड़ा मायूस होकर पवी रन की और उसका नाम हर्ष बड़ा मायूस होके पॉइंट किया। अभी भी स्कोर रुका हुआ 28 रनों पे। देखिए आगे का अतीत बताएगा क्या हो सकता है, अपनी टीम के लिए कितना अच्छा योगदान दे पाते या नहीं वो आगे का अतीत बताएगा। यही है जो खुशनुमा वातावरण में मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये भंडारी समाज बीएसएनएल प्रीमियर लीग ऐसा लाइव में स्कोर नहीं दिख रहा है। हमारे जो बैट्समैन यहां बॉल पे गया है, हमारे टेक्नीशियन को यहां बताना जरूरी होगा, यहां जो गलती है वो सवारने की जरूरत है। अभी भी स्कोर रुका हुआ 28 रनों पे। बहुत अच्छा इस खुशनुमा वातावरण में इस टूर्नामेंट को खेलवाया जा रहा है बीएसएनएल आने के भंडारी समाज क्रिकेट लिंक्स ओवर। ये पूरी तरह से चुके गेंद बल्ले से आई नहीं जाने, विकेट कीपर के पास डॉट बॉल के साथ संतोष मानना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों के साथ। तो हम बता रहे थे कि हमारे जो कमेंटेटर है प्रज्ञेश भारी, जो कि इंटरनेशनल जो खेली जाती है टूर्नामेंट इसी तरह कमेंटेटर देते हैं और ये पूरी तरह से चुके गेंद बल्ले से फिर एक बार डॉट बॉल से संतोष मानना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। प्रज्ञेश भाई कल से कमेंट दे रहे हैं, हमारे जो कादिर भाई अंपायर और चांद खलीफा जो बिल्कुल रोजा, आज रोजा का दिन है और रमजान महीना चल रहा है और इतनी कड़ी धूप से वो अंपायरिंग कर रहे हैं, वो छोटी बड़ी बात नहीं है। नए गोलंदाज आए हैं, नए गोलंदाज मनीष भाई बहुत बेहतरीन गोलंदाज है, बड़ा एक्सपीरियंस उसको, कम से कम 250 मैचों का उस टूर्नामेंट का उसको एक्सपीरियंस है। आज अपना कारनामा दिखाएंगे। तो कादिर भाई की मैं तारीफ कर रहा था जो कि बहुत बड़े और काफी एक्सपीरियंस है उसको मैच का टूर्नामेंट का और आज हमारे बीच अंपायरिंग कर रहे हैं, बहुत गहरी अंपायरिंग। रमजान का महीना चल रहा है और ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है और खेलने का भरपूर प्रयास पूरी तरह से आज जलता रहा अपील हुई और ये आउट और एक विकेट का पतन होते हुए। हर चौके और आउट होने वाले खिलाड़ी पर गार्ड्स ऑफ ऑनर म्यूजिक में गार्ड्स ऑफ ऑनर देना चुकते नहीं, ऐसा हमारा म्यूजिशियन है सोनू, हमारे प्यारे सोनू म्यूजिशियन अच्छी म्यूजिक देता है हर चौके पर और हर आउट होने वाले खिलाड़ी के ऊपर गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं म्यूजिक के द्वारा। और उसकी नए बल्लेबाज जा रहा है उसकी जगह लेने के लिए चेतन कैप्टन और कैप्टन भी कप्तान है कहना पड़ेगा, ऑनर भी कप्तान है और जितनी तारीफ की जाए कम है उसके ऊपर पूरी टीम का मदार। देखिए अपनी टीम के लिए कितना अच्छा योगदान दे पाते हैं, आगे का समय ही बताएंगे, आने के अतीत बताएंगे कि अपनी टीम के लिए अच्छा योगदान देना ही होगा। स्ट्राइक पे चारों दिशाओं में कड़ी फील्डिंग की सजावट देखते हुए ताकि करण को कैसे फिसला सके कैसे बटोर पाए अगली गेंद का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार। और ये सौरभ लंग गेंद हल्के हाथों से खेला स्क्वायर कट किया बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने और ये बहुत ही सीमा रेखा के बाहर, चार रनों के लिए कोई गुंजाइश नहीं, कोई खिलाड़ी नहीं था, यही तो है क्रिकेट का नजारा। शहर स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 32 रन माने के 32 पे, बहुत सूझबूझ से इस खेल को खेलवाया जा रहा है। फिर एक बात तैयार हमारे स्ट्राइक पे
और अगली गेंद का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार। और फिर एक बार शॉर्ट ऑफ हल्का हाथों से खेलने का प्रयास और लौट पड़े, खतरा हो सकता है, वो खतरे से बाहर और उसके हड़बड़ाहट में और एक रन आ चुके हैं और इन्हें अंपायर का इशारा ने सिग्नल दे दिया है। यहां वाइड गेंदों का अतिरिक्त संख्या की एक रुपये की और की बढ़ोतरी के साथ एक रन और बढ़कर स्कोर पहुंचा। यहां तीन रनों का बटोरा किया है, इन तीन रनों के सारे स्कोर पहुंचे हैं 35 रन आने के 35 पे। फिर एक बार मालवन छोड़ की ओर से बॉलिंग का भार संभालते थे हमारे गोलंदाज मनीष भाई, कहना पड़ेगा मनीष भाई आज तारीफ की कम है। ओ फिर एक बार उठा लिया, हवा में है, आज कैच हो सकते हैं नहीं, और ये सीधा बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर है, सिग्नल ने दिया है अंपायर ने 6 रनों का, 6 रनों के सहारे छोर पहुंचे हैं 41 रन की मोटी बॉल। हम सभी समाज बांधवों को विनती करते हैं कि फुल फुलनिया पाखड़ी हम अपना योगदान जरूर इस टूर्नामेंट को दे, इस सम्मेलन को दे, इस BSNL को दे, ऐसी हम गुजारिश करते हैं कि अपना कमाने का दसवां भाग, ऐसे साधु संत तो कहते हैं कमाने का दसवां भाग जरूर देना चाहिए और इसी तरह हम आगे बढ़ सकते, समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये फॉरवर्ड शॉट लग की दिशा में खेला है, एक रन मिल सकता है, दोनों रन लेना चाहते थे लेकिन सामने नो स्ट्राइक से मना किया, कोई खतरा नहीं बोलना चाहिए, अंपायर का इशारा यहाँ पर वाइड गेंदों का। फिर एक बार अतिरिक्त संख्या के साथ एक रन लेने से एक बढ़ोतरी हुई दो रनों के सहारे और स्कोर पहुंचा है 43 पे, जो हमारे स्कोरर बता रहे हैं जिससे कंप्यूटर की माफी कभी गलती नहीं करते हैं। हमारे बीच में फोन आ जाता है यार, ध्यान रखो जो कोई झाड़वाने बॉल लाग गया हो कि कोई गाय बड़द ने बॉल लाग गया हो तो दौड़ी ने रन लेवाना छे, એટલું ધ્યાન રાખે અમારા બેટ્સમેનો અને અમ્પાયર ને તો ખબર જ છે। फिर एक बार हमारा गोलंदाज मालवन छोड़ के बॉलिंग का भार संभालते हुए और ये स्कूललेस गेंद थी, बहुत अच्छा खेला लेकिन वहां फील्डर पहले से मौजूद है। हाँ हेलो हेलो बोलो 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 हेलो हाँ बोलो नहीं अभी स्कोर रुका हुआ। फोर्टी फाइव पे हमारे स्कोरर बता रहे हैं, कंप्यूटर की माफी कभी गलत नहीं करते हैं और करना भी क्यों चाहिए क्योंकि बेहतरीन यहाँ स्कोरर बैठे हैं हमारे, बिल्कुल लाइव चल रहा है यहाँ यूट्यूब पे, कभी गलती नहीं करते हैं और इंसान की ही गलती हो सकती है, लेकिन इंसान कोई भगवान नहीं है, फिर भी बेहतरीन स्कोरर की इंतजारी उन्होंने संभाली है सुबह से। दोनों बल्लेबाजों के बीच आपस में कुछ सलाम सुला चल रहा है ताकि रन को कैसे बटोर सके, अपनी टीम को कैसे अच्छा योगदान दे पाए। कॉमेडी बॉक्स में पानी भाई मोकलो, कोई आयोजक आपने त्या उपलब्ध हो। और हवा में खेला है सीधा हाथों में, कोई गुंजाइश नहीं, कोई गलती नहीं की और एक विकेट का पतन। BSNL विकेट यानी कि भंडारी समाज क्रिकेट प्रीमियर लीग विकेट